हेलो नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल, लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूल बांसवाड़ा इस समय। और हम यहाँ कक्षा 11 और 12 का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। आज इसके अंदर हम कुछ नई बात कर रहे हैं जो है मॉडल पेपर 2020-21 के लिए। अभी कल ही राजस्थान बोर्ड ने जारी किए हैं कि पेपर जो है वो इस बार किस प्रकार से पेपर बढ़ेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की मार्किंग क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप ध्यान से इसको समझ लें जिससे आपको कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी कि पेपर की मार्किंग के बारे में और पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है उसके बारे में। तो अपने शुरू से इसमें चर्चा करते हैं इसके बारे में, ये जो ब्लू प्रिंट है उसके आधार में। इसमें भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 में 2020-21 की बात हम कर रहे हैं इस साल के लिए, जो कोविड ईयर चल रहा है इस बार, उसके अंदर परिवर्तन काफी कर दिए गए हैं। यानी पैटर्न जो है वो पिछले सालों के पैटर्न के आधार पे आप बिल्कुल तैयारी ना करें। टॉपिक जो है वो कुछ हटा दिए गए हैं, तो आपको मेनली बोर्ड के लिए तो वही करने हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है, एक बात। दूसरी बात, उसमें भी जो पेपर का पैटर्न है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है, तो वो पेपर का पैटर्न भी हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं इसके अंदर पेपर का जो मार्किंग है वही हर साल की तरह 56 मार्क्स का पेपर आएगा इस बार, और बाकी बचे 44 मार्क्स। तो 44 के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है प्रैक्टिकल और एक पार्ट है सेशनल सत्रांत। ये कितने हैं 40 मार्क्स के और ये है 30 मार्क्स का, दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 44। इसके लिए एक वीडियो पहले से बना दिया गया है कि प्रैक्टिकल की मार्किंग किस प्रकार से होगी, प्रैक्टिकल का पैटर्न भी पूरी तरह से बदल दिया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट चेंज कर दिए गए हैं। तो पिछले तरीके के आधार पे या पिछले पेपर्स के आधार पे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इस बार किस तरह का आएगा, उसके लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है। उस मॉडल पेपर में मैं आपको पूरा विस्तार से शुरू से लास्ट तक बताऊंगा किस प्रकार से कितने भाग कर दिए गए हैं, किस भाग में कितने नंबर के, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो आप उसको शुरू से लास्ट तक पूरा देख लें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखो इसके अंदर इसके जो भाग किए गए हैं वो किए गए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, कितने भाग है ये 5 भाग है। हिंदी में इसे लिखा जाएगा, दोनों मीडियम में पेपर आता है ये बात सभी को पता होगी, तो हिंदी में ए ब स द ये इस तरह से इसको लिखा हुआ आपको मिलेगा पेपर के। अब देखो मार्किंग जो है क्वेश्चन जो है 20 नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, पहले आते 13 नंबर के, हम पहले की बात नहीं करेंगे, पहले तो सब कुछ अलग था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके भाग होंगे 10, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10, ये इसके कितने भाग होंगे 10 भाग होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है और पेपर में लिखते समय ये बोर्ड ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए इसमें साफ साफ लिखा गया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं, और प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाए, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और यूज करना है। कैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आया है इसके बारे में बाद में अलग से चर्चा कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपने 1 का कौन सा भाग किया 5वां, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ब्रैकेट में लिखना 5, 2 नहीं आते हैं आपने पेपर के सबसे लास्ट में किया तो वहां भी लिखना क्वेश्चन नंबर 1 7 8 जो भी किया। अभी मार्किंग की बात करते हैं तो इसके भाग है कितने 10। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब जिनके अंदर हमें विकल्प मिलेंगे ए बी सी डी और हमें एक को चुनना होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं इनको, बहुविकल्पीय। इनमें एवर से दिए होंगे ए बी सी डी ऑप्शन,
उनमें से हमें सही बताना है, जैसे दे दिया बल का मात्रक क्या है, न्यूटन जूल और वाट और कुछ और ऐसे दे दिया, तो उसमें से आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब आपको कॉपी के अंदर लिखना है कि पहले का बै के ब्रैकेट में चाहो तो उत्तर, जैसे बल का मात्रक न्यूटन है तो आप उसमें ब्रैकेट में न्यूटन लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसका ऑप्शन बताना है कि बी सही है तो आपको बी लिखना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखो क्वेश्चन नंबर एक ब्रैकेट में वन, उसके आगे उसका बी सही है तो बी लिख दो, फिर सेकंड उसका सी सही है तो सी लिख दो, डी सही है तो डी लिख दो, जैसा भी है वैसा। ये तो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर एक, यानी एक में कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। हम इसको एक इकाई ही मानेंगे, बोर्ड ने जो पैटर्न जारी किया उसको क्वेश्चन नंबर एक ही माना गया, तो ये क्वेश्चन नंबर एक ही है, क्लियर। यानी इसके इन 10 के बाद में जो अगला क्वेश्चन आया वो 11वां नहीं होगा, वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर दो होगा। अब क्वेश्चन नंबर दो जो है, दो से लेकर 11 तक, दो से 11 इसी ए बात की बात कर रहे हैं अभी हम, इसी में क्वेश्चन नंबर दो से 11 तक ये भी क्या है, इनमें ये 10 क्वेश्चन होंगे, याद लिख देता हूं मैं, कितने प्रश्न है, 10 प्रश्न है और प्रत्येक जो है वो कितने अंक का है, प्रत्येक एक अंक का है, तो कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए इसके, 10 अंक हो गए इसके। अब बात आती है फिर 2 से 11, इनमें क्या होगा, एक पंक्ति वाले क्वेश्चन होंगे, एक लाइन वाले क्वेश्चन, जैसे हर साल आते थे 1 से 13 तक के 13 नंबर के क्वेश्चन आते थे ऐसे, जिनमें कोई भी बात पूछ ली वो 2 शब्द की हो सकती है, 1 शब्द की हो सकती है, आधी लाइन की हो सकती है, एक लाइन की हो सकती है, तो एक आधी लाइन तक का उसका उत्तर होता है। जैसे इसमें दे रखे हैं पैटर्न में, मैं देखिए एक आधा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा बायो सावर्ट का नियम लिखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम लिखिए, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, डेली आवर्ती को परिभाषित कीजिए, तो इस तरह के एक एक लाइन के उत्तर ये हैं। तो ये भी क्वेश्चन कितने हैं, प्रश्न कितने हैं, 10, प्रत्येक का कितना अंक है, प्रत्येक जो है वो कितने अंक का है, एक अंक का है, ये भी तो कितने हो गए, 10 अंक हो गए। इस तरह से पहला जो भाग है, ये जो पहला जो पार्ट है, ये भाग ये कितने अंक का हो गया, 20 अंक का, का 20 अंक का हो गया ये। तो 20 अंक के तो सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन हो गए, उनमें से भी बहुत आसान कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन तो कैसे दे दिए, एबीसीडी चॉइस वाले दे दिए आपको, विकल्प कभी हमें वैसे नॉर्मली याद नहीं आता इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन अगर विकल्प सामने होते हैं तो हम बिल्कुल तुरंत, हमें अगर पढ़ा होता है तो वो याद आ जाता है, इसलिए ये ज्यादा आसान माने जाते हैं। 10 नंबर का काम तो बिल्कुल ही आसान हो गया। दूसरा 2 से 11, ये भी एक एक अंक के क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं इसके भाग बी पर, इसका भाग आता है बी भाग, बै भाग। इसके अंदर है क्वेश्चन 12 से 15, इसमें आएंगे क्वेश्चन संख्या 12 से 15, यानी कितने प्रश्न हो गए, प्रश्न हो गए 4, ठीक है। प्रत्येक है 2 अंक का, प्रत्येक का अंक कितना है, 2, और टोटल अंक कितने हो गए, 8 अंक हो गए। 4 प्रश्न 2 अंक का, एक है तो टोटल हो गए 8, यानी 12वीं से लेकर 15वीं तक जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। एक बात आ जाएगी इसमें बताने, मैं आपको बता देता हूं पहले, इसमें से आप एक बात और नोट कर लें कि ये जो 20 प्रश्न है उनमें 10 तो ही आएंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद इनमें से लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, उनकी अलग प्रकृति होगी। अलग प्रकृति का मतलब है कि उनमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जैसे खाली स्थान भरो, ऐसे हिंदी में संस्कृत में इसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन, खाली स्थान भरो, वो खाली स्थान भरने इसके अंदर के ऊपर, तो इसमें पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक अक्षर छोड़ दिया जाएगा बीच में से। ये नई टेक्निक फिजिक्स में पहली बार लग रही है, अच्छी है वैसे नंबर लेने के लिए, फ्री पॉकेट के नंबर मिल जाएंगे। बाकी
जैसे जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के डैश 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 होती है। तो अपने को ब्रैकेट में क्या लिखना है, जब इतना दे दिया तो वो लंबवत भी याद आ जाएगा भी। तो तल के लंबवत होती है, तो वो लंबवत लिखना है। तो ये 9, 10, 11 ये जरूर आप ऐड कर ले इसके अंदर, किस तरह के ये अब इनको क्या नाम दे मैं कह देता हूँ, खालिस्तान भरो इनको। इस तरह के क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, किस तरह के आएंगे। एक सेंटेंस दिया जाएगा जो फिजिक्स के किसी टॉपिक से संबंधित, किसी परिभाषा से संबंधित होगा, बीच में एक शब्द की, दो शब्द की जगह खाली छोड़ दी जाएगी, वो अपने को लिखना। जब पूरी परिभाषा दे दी तो बीच की एक लाइन एक वर्ड तो अपने को पता चल ही जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया ये पार्ट। तो ये तीन क्वेश्चन तो और भी आसान हो गए, ये तो इनसे भी आसान है, मल्टीपल चॉइस से भी आसान है। तो ये बात इन्हीं के अंदर इंक्लूड है, इन 20 क्वेश्चन के अंदर। तो 20 क्वेश्चन जो है जैसे देखे तो तीन प्रकार के हो गए, मल्टीपल चॉइस, फिर एक लाइन के, फिर एक लाइन जो दी गई है बीच में से एक आधा शब्द छोड़ रखा है वो अपने को उसमें लिखना है। अब आते हैं अपने बी पार्ट चल रहा था अपना, इसके अंदर 12 से 15 तक के क्वेश्चन आएंगे, 12 से 15 चार क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक दो अंक का होगा, टोटल हो गए 8 अंक। सेक्शन बी ये है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में अथवा नहीं होगा, यहां किसी भी क्वेश्चन में कोई अथवा नहीं है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है यहां तक, क्लियर। अब इनके अंदर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कोई दो चार लाइनों का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई चित्र पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल की संभावना इसके अंदर ज्यादा है। न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण है ये पार्ट, ये बात आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल के लिए ये पार्ट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। फिर आते हैं सी भाग, फिर आता है सी भाग सेव भाग, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से 19 चार क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से 19 और प्रश्नों की संख्या होगी इसके अंदर भी चार, और प्रत्येक होगा कितने अंक का, 3 अंक का, और टोटल अंक हो गए कितने, 12। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी इसी खास बात यह है सभी प्रश्नों में अथवा होगा, इसका मतलब हर प्रश्न के ऑप्शन में एक प्रश्न और होगा और दोनों में से हमें कोई भी एक करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन दे दिया उसके अथवा हमें दूसरा दे दिया, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 दे देंगे फिर उसके अथवा में इस तरह से, जैसे मॉडल पेपर में दे रखा है कि किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया उसके अथवा में अगला दे दिया, तो दोनों में से कोई भी एक कर दो, अथवा पता ही होगा आपको कैसे होगा। उसके बाद आती है बात नेक्स्ट पार्ट इसका, यहां से एक बात बता दो आपको, सभी में अथवा है इस पार्ट से, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, यहां से जो क्वेश्चन आगे जितने भी आएंगे सभी में अथवा होगा। अब अथवा अभी इस बार एक नए तरीका का अथवा है, वो भी मैंने तो अभी देखा, वो क्या है अभी मैं बताऊंगा लास्ट पार्ट में। इसमें बहुत ही, इसलिए मैंने कहा था बहुत ही आसान पार्ट है, इसमें तो अगर कोई फेल होना चाहे तो भी नहीं होगा, मेरे को लग रहा है। डी पार्ट है, डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से 21 यानी 20 और 21 दो क्वेश्चन है इसके अंदर, 20 और 21 प्रश्न कितने इसमें, 2 है, और प्रत्येक कितने अंक का है, 4 अंक का है, कितने अंक हो गए, 8 हो गए, दोनों में अथवा मिलेगा, ठीक है, दोनों में अथवा होगा सर दोनों क्वेश्चन में। तो ये मैंने वैसे यहां लिख ही दिया भाई, सभी में अथवा है, एक अथवा भी विशेष तरह का आएगा अगले पार्ट में। तो इसमें भी आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चनों में क्या होता है कुछ भाग होते हैं कि परिभाषा लिखिए, इसका डेरिवेशन कीजिए, इसका चित्र बनाइए, तो आपको उसी क्रम में करना है अलग अलग परिभाषा, कोई आगे कोई फॉर्मूला डेराइव करना है तो उसका सत्यापन, फिर लास्ट में लिखा है दूरी व इसमें तीव्रता में ग्राफ बनाओ तो लिखोगे दूरी व तीव्रता में ग्राफ, यानी जैसे पूछा गया उसी के आधार पर आपको करना है। इसके लिए बाद में एक बार फिर चर्चा करेंगे अलग से, एक ही पेपर लिखना कैसे है उसके लिए हम अलग बात करेंगे, अभी तो आप पैटर्न का था। और इसका लास्ट पार्ट आता है ई पार्ट, जिसको ये पार्ट लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 22 और 23, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। अब इसमें कितने प्रश्न है, 2 प्रश्न है, और प्रत्येक कितने अंक का है, प्रत्येक ये भी 4 अंक है,
तो टोटल इतने हो गए 8 हो गए, टोटल कर लो आप इनमें 20, 8, 28 और 12, 40, 40 और 16 56 हो गए, 56 पूरे। इसका मतलब प्रश्न कितने आएंगे, 23 आएंगे, 23 प्रश्न आएंगे। और वैसे टोटल देखा जाए तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, यानी 9 और जोड़ दें 23 और 9, ठीक है 32 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब इसकी क्या विशेषता है, अथवा तो मैंने लिख रखा है यहाँ कि सभी में अथवा है, तो सभी में अथवा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक के अथवा में तीन है, यानी इसमें से क्या करना है, तीन में से एक क्वेश्चन करना है। पहले एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे लिखा हुआ अथवा, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसके नीचे लिखा हुआ अथवा, फिर तीसरा क्वेश्चन। अब तुम तीन में से कोई भी एक, तीन में से तो एक आता ही होगा क्वेश्चन। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, उसमें भी कितने होंगे, तीन क्वेश्चन होंगे और तीन में से हमें एक क्वेश्चन करना होगा। तो अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो कहीं कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं लग रहा है। ऐसा इतना ब्लू प्रिंट इतना इसको आसान बना दिया गया है कि इजी वे के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। यानी दो क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ रिकॉर्ड में, पहली बार ऐसा होगा। तो मार्क्स लेने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है इसका। अब आप इसको लिख लें पूरे को, थोड़ा सा ध्यान रखें पैटर्न के आधार पे, ये इसका पूरा पैटर्न है, इस के आधार पे ही जो पेपर है वो बनाए जाएंगे। और आप इस पैटर्न के आधार पे हमारी क्लासेस चल रही है कक्षा 12 की और कक्षा 11 की, जिनका आप निरंतर कंटिन्यू देख सकते हैं। कोई किसी ने नहीं जुड़ा हुआ है तो कंटिन्यू जुड़ के आप उसमें देख सकता है। डे 1 से लेकर अभी तक शायद 150 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी है, डे 1 से लेकर 150-155 के आसपास को शायद पहुंच गए हैं। और 12 का सिलेबस जिसमें 11 चैप्टर हो चुके हैं, 11 चैप्टर लास्ट पार्ट चल रहे हैं और 12वीं का, और 11वीं की भी अभी चैप्टर संख्या 5 चल रहा है हमारा, 5 पूरा होने वाला है, तो उसमें भी हम कंटिन्यू चल रहे हैं, उसमें भी 51 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप उसको कंटिन्यूटी से देखें तो आपको पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपको उनके क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। और जो भी जानकारी बोर्ड या मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी होंगे, जो भी बोर्ड परीक्षा से संबंधित जानकारियां जारी होंगी, वो सारी बिल्कुल अपलोड कर दी जाएंगी और आप उसे तुरंत अपडेट रह सकते हैं। इसको पैटर्न को देख लें अच्छी तरह से, इसके आधार पर आप ध्यान रखें किस प्रकार से पेपर आएगा। एक बात और आप इसमें जरूर ध्यान रखें, ब्लूप्रिंट ये जो पैटर्न है मॉडल पेपर बोर्ड की साइट पे दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखें, मॉडल पेपर में जो प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको ये नहीं देखना कि वही प्रश्न आएगा, या वो प्रश्न जो दे रखा है वो कुछ ऐसे भी हैं जो सिलेबस में नहीं है टॉपिक, उनको भी ब्लू इसमें डाल दिया। मॉडल पेपर को हिंदी में कहते हैं नमूना प्रश्न पत्र। नमूना का मतलब है इसके आधार पे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, कितने आसान कितने मुश्किल स्तर केवल डाला गया है। ये ना सोचें कि ये टॉपिक हटा दिया गया तो आ जाएगा मॉडल पेपर में लिखा है। मॉडल पेपर में बनाने वाले ने किसी ने ऐसे क्वेश्चन भी डाल रखे हैं जो सिलेबस से इस बार के लिए हटा दिए गए हैं, तो वो हटे हुए हैं, तो वो टॉपिक एग्जाम में नहीं आएंगे। इस बात के लिए कंफ्यूज होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ये केवल स्तर के लिए दिया गया है कि किस क्वेश्चन का कैसा स्तर होगा वो हम बिल्कुल जान सकते हैं इसमें मॉडल पेपर के आधार पर। लेकिन पेपर में क्वेश्चन वही आएंगे जो टॉपिक सिलेबस में है, उसके लिए बिल्कुल भी किसी को कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।